तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो यार आज हम जिस बंदे पे बात करने वाले हैं उसको भी जेनो की तरह पता भी नहीं है कि उस पर वीडियो आने वाली है, क्योंकि यार इस बंदे को मैं बहुत टाइम से फॉलो करता आ रहा हूँ और इस बंदे ने मुझे इंप्रेस करने की सारी सीमाएं ही पार कर दी हैं। मतलब BGMI या PUBG किसी में भी आप इम्पॉसिबल से इम्पॉसिबल शॉट इमेजिन कर लीजिए कि हाँ ये चीज़ पॉसिबल है, लेकिन मारना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वो इस बंदे ने मार रखा है, चाहे वो आपके क्विक स्कोप्स हो, क्रॉसर स्नाइपिंग हो, मूविंग कार क्रॉसर स्नाइप्स हो, VSS के बर्स्ट हो, DP के बर्स्ट हद से ज़्यादा है, मतलब दो दो तीन तीन गोली के बस, वो भी 200 मीटर 250 मीटर में, और उसमें भी हेड वाली स्नाइपिंग, चाहे क्रॉसबोज हो, चाहे आई फ्लिक्स हो, चाहे आयरन साइट्स हो, आप कुछ भी ले लीजिए, इस बंदे ने वो सारी चीजें कर रखी हैं। सिर्फ कर ही नहीं रखी हैं, इसकी सारी की सारी मोंटाजेस भरी रहती हैं इस तरह के शॉट से, बिल्कुल एक्सेप्शनल लेवल के शॉट से, और इसको रिकॉग्निशन यार बिल्कुल भी नहीं है। मतलब 1K सब्सक्राइबर भी इस पे जब स्ले डेविल ने रेड मारी थी तब जाके हुए थे, उससे पहले तक इसको कुछ भी रिकॉग्निशन नहीं था। तो जिस बंदे की आज हम बात करने वाले हैं उसका नाम है लूनेटिक, और लिटरली इस बंदे की मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम पड़ेगी, क्योंकि अपने तरीके के शॉट्स इन्वेंट करता है और मतलब अपने तरीके की यार ये मोंटाजेस में शॉट्स डालता है। जैसे सबसे बढ़िया चीज़ जो मुझे लगी वो थी इसकी VSS को मास्टर करना। VSS को यार बहुत ज़्यादा अंडर रेट करते हैं, मतलब लोग बहुत ज़्यादा उसको सोचते हैं कि बेकार गन है, लेकिन ये जिस तरीके से चलाता है, आप इसके मोंटाजेस देखोगे ना, उसमें जब इसके VSS के बर्स्ट देखोगे, आपको सच में पता लगेगा कि एक्चुअली कितनी बढ़िया लेवल पे गन चल सकती है अगर कोई बंदा अच्छे से मास्टर कर ले। उसने वो चीज़ करी और अपने मोंटाजेस में इतने एक्यूरेट बर्स्ट डालता है ना, मतलब, और DP की तो बात ही मत करो, मतलब जो इसके बर्स्ट हैं यार दो तीन गोलियों के इतने लॉन्ग डिस्टेंस में भी जितनी एक्यूरेसी है, मैं ये कहूँगा कि अगर स्नैक्स से बेटर नहीं तो उस तरह की एक्यूरेसी मैंने केवल स्नैक्स के बर्स्ट में ही देखी है। आप जितना चाहो आप इसको देख सकते हो, कोई भी वीडियो उठाकर देख लो, ये भी नहीं कि इसने इंप्रूव किया है, ये हमेशा से इतने बढ़िया लेवल पर खेल रहा है। मतलब काफ़ी टाइम से मैं इसको देखता आ रहा हूँ, पिछले 4-5 महीने से मैंने इसके सारे शॉट्स, मतलब जितने भी मोंटाजेस देखे हैं सब के सब इतने बढ़िया होते हैं, और जिस तरह के शॉट से अपनी मोंटाज में डालता है उसका एक एग्जांपल देखने के लिए भी आप ये वाली क्लिप देख सकते हैं। और ये शॉट भी ऑब्वियसली बीट सिंह के साथ में था, सारे के सारे शॉट्स, और उस वाले शॉट में सबसे बढ़िया चीज़ ये थी कि यार वो एक कंपाइलेशन था इस तरह के का। मतलब एक होता है कि आप गाड़ी से चलते हुए गाड़ी पे बैठ के स्नाइपर मार देते हैं, एक होता है क्विक स्कोप मार देते हैं, एक होता है बंदा हवा में होता है उसको मार देते हैं। इसने दोनों चीज़ें करी, इसने तीनों चीज़ें करी। इसने गाड़ी में भी बैठे बैठे क्विक स्कोप मारा, वो भी उस बंदे को जो नीचे गिर रहा था, हवा में था, और उसको भी हेडशॉट मारा। और आप खुद ही सोचिए इस तरह के शॉट्स आप कितने फ्रीक्वेंटली देख पाते होंगे किसी की भी मोंटाज में, और मोंटाज इसकी पूरी की पूरी यार कंपाइलेशन रहती है इम्पॉसिबल टाइप शॉट्स की। मतलब अगर आप क्विक स्कोप के फैन हैं तो आप इसको देखिए, अगर आप कार स्प्रेस के फैन हैं तो आप इसको देखिए, अगर आपको VSS चलानी पसंद है या उसके बर्स्ट देखने आज तक देखे भी नहीं तो आप इसको देखिए, अगर आपको जहर बर्स्ट पसंद है तो आप इसको देखिए, अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस आयरन साइट पसंद है तो आप इसको देखिए, आपको लॉन्ग डिस्टेंस में क्रॉस हेयर वाले स्नाइप्स पसंद है तो आप इसको देखिए, और लिटरली आप कोई भी चीज़ इमेजिन कर लीजिए, क्रॉसबो हो गई या कुछ भी, गाड़ी के पीछे बैठ के मारना हो गया, सारे शॉट्स यार आप देख सकते हैं सारे हेड लगते हैं, वो भी इसके, मतलब सारे हेड नहीं लगते, जिन जिन शॉट्स में हेड लगते हैं उनको डालता है। तो कहने का मतलब ये है कि कितने सारे शॉट्स से फिल्टर कर देता होगा, उनको हटा देता होगा जस्ट बिकॉज उसमें हेड शॉट्स नहीं लगे होंगे। और मैं बिल्कुल, और सबसे ज्यादा स्ट्राइक करने वाली बात है कि ये एक एंड्रॉइड प्लेयर है, रियलमी X3 प्रो में खेलता है, और सबसे बड़ा मेरे को शॉट इसमें लगा, देखिए कैसे इसने एडजस्ट करा। पहले देखा नीचे वाले पे नहीं था शॉट तो इसने ऊपर वाले पे लिया, और ऊपर वाले में भी कितने बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट किया, लिटरली मैं बहुत बढ़िया मेरे को इसका ये वाला शॉट लगा। और बाकी इसके सारे शॉट्स आप देख सकते हैं, कुछ भी आप ले लीजिए, M7 Warwick, M7 6X भी आप ले सकते हैं, कुछ भी आप देख लीजिए, चाहे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लिटरली ये बंदा पूरा एक कंप्लीट पैकेज आपको दिखेगा। और मैं चाहता हूँ कि यार इस वीडियो के बाद में इस बंदे को रिकॉग्निशन की कमी नहीं पड़नी चाहिए बिल्कुल भी, इसलिए जितना हो सकता है यार उतना इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना और इस बंदे को सपोर्ट ज़रूर करना। और जिस तरीके का इसका पोटेंशियल है, मैं इतना ज़्यादा इंप्रेस हूँ कि इसका 10K सब्सक्राइबर, मेरे को पता है 10K सब्सक्राइबर मैं बोल रहा हूँ, इसके 1K हैं अभी, पर 10K सब्सक्राइबर होने चाहिए यार, देखते हैं, मेरे को पता है थोड़ा ज़्यादा है लेकिन आप लोगों के लिए कम है, क्योंकि मैं तभी सब्सक्राइब करने के लिए बोलता हूँ जब मैं कहता हूँ आपको कंटेंट पसंद है, और मुझे पता है यार कम से कम 10,000 लोगों को तो इसका कंटेंट पसंद आएगा ही आएगा। और अगर आप इस बंदे को सब्सक्राइब ना भी करो तो भी यार इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और इस वीडियो को शेयर ज़रूर मार देना, जिससे इस वीडियो पर यार ज़्यादा रीच आए और इस बंदे को ज़्यादा लोग जान पाएँ। और इस तरह की क्लिप्स भी लिटरली यार चलती गाड़ी से क्रॉसबो मारना, पहले डैमेज देना उसको फिर क्रॉसबो मारना, फिर इस तरीके के बस्ट, ये सब के सब बीट सिंह के साथ में होते हैं। तो अगर आप इसका म्यूज़िक देखेंगे यार म्यूज़िक बहुत एंजॉय करेंगे। और सबसे बढ़िया बात ये भी लगती है मुझे कि अपनी ADS फाइट्स भी जो भी डालता है वो वाली डालता है जिसमें इसके हेड लग रहे होते हैं, मतलब हेडशॉट्स के साथ में इतना बढ़िया इसका ऑब्सेशन है यार बंदे का कि बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। मैं रिकमेंड करता हूँ कि यार इसकी वीडियो ज़रूर देखना आप लोग।
और इसके साथ ही साथ मैं आपको बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट के बारे में बता देता हूँ, जो है मैनेजिंग एजेंसी। मतलब आपकी टीम है मान लीजिए, और आप मैचेस खेलते हैं बहुत सारे, और आपको स्लॉट्स लेने में दिक्कत आती है कंपेटिटिव में, और उसमें आप करियर बनाना चाहते हैं, तो अच्छे स्लॉट्स लेने के लिए या तो आपको यार बहुत बड़े अचीवमेंट होनी चाहिए, या फिर आपके पास में कोई पेड मैनेजर होना चाहिए जिसको आप अच्छे खासे पैसे दोगे। तो जितना आप उसको पैसे दोगे स्लॉट्स निकालने के लिए, उससे बढ़िया है कि आप इन एजेंसी से आप अपना पैकेज ले सकते हैं, जिसमें आपको दो मैनेजर्स अपने खुद के प्रोवाइड कराएंगे, और महीने के कम 6 टूर्नामेंट्स आपको देंगे ही देंगे 3 लाख तक के, और साथ ही साथ में आपको पेड कस्टम्स भी खिलाएंगे जिसकी फीस भी खुद भरेंगे, और अगर लॉस होगा तो भी इन्हीं के जेब से जाएगा, और प्रॉफिट होगा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और अगर आप मेरा कोड लगाकर रजिस्टर करते हैं तो आपको 200 रुपये का डिस्काउंट भी मिलेगा। आप इनके पैकेजेस चेकआउट कर सकते हैं, डिस्कॉर्ड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप रजिस्टर कर सकते हैं। इस एजेंसी का नाम है क्रिएटिव मैनेजमेंट एजेंसी, जो एक ट्रस्टेड बंदे ने, मेरे जानने वाले बंदे ने ही स्टार्ट किया, और ये कॉन्सेप्ट एकदम न्यू है। और अगर आप यार ट्राई करेंगे खुद से भी करने का तो भी आपका बहुत सारा टाइम चला जाएगा और पैसा भी चला जाएगा, और यहाँ पे ये सारी चीज़ें सेव हो जाएंगी क्योंकि आपको बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज ला कर देंगे। मतलब आप खुद सोच सकते हैं यार, 6 से 8 टूर्नामेंट कोई नहीं देगा अपनी तरफ से ला के, और आपको मैनेजर्स भी हायर करेंगे, और ये पूरा शेड्यूल भी आपका मेंटेन करेंगे, तो आपका सारा का सारा टाइम सेव हो जाएगा। और इन सबके साथ में आपको एक कोच भी मिलेगा जो आपकी पूरी टीम को मॉनिटर करेगा, आपका पूरा शेड्यूल बनाकर भी चलेगा। और अगर आपकी टीम का सच में कोई नाम रोशन करना है और अपनी टीम का नाम बनाना है ई स्पोर्ट्स में, तो बहुत बढ़िया बूस्ट आपको यहाँ पे मिलेगा, आपका टाइम और पैसा दोनों सेव होगा, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत कम है और रिवॉर्ड्स आपके बहुत सारे रहेंगे। तो चेकआउट जरूर करना, और मेरा कोड लगाओगे तो 200 रुपये का डिस्काउंट भी मिलेगा, तो जरूर से चेकआउट करना इस चीज़ को। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ डेडिकेशन की। आप ये सोचिए, अगर 100 अटेम्प्ट लग रहे हैं तो आप खुद सोचिए, अगर बंदा 20 शॉट भी ऐसे डाल रहा है, जबकि ज़्यादा ही होते हैं, 20 शॉट ऐसे डाल रहा है, 100 अटेम्प्ट लग रहे हैं, तो 2000 अटेम्प्ट हो गए केवल एक मोन्टाज डालने के लिए। और ये इस तरह के मोन्टाजेस अभी से नहीं, बहुत महीनों से बनाता हुआ आ रहा है। पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी बात, अगर आप बात करते हैं स्किल्स की, तो आपको इस तरह के बर्स्ट, मैं कह रहा हूँ खुद से ही, कि इस तरह के बर्स्ट आपको कहीं नहीं देखने को मिलेंगे। VSS में इतनी बढ़िया मास्टरी बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगी किसी भी बंदे के अंदर। तो अब बात करते हैं फिर से लुनेटिक की। तो मैं उसको सपोर्ट करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि इस तरह के शॉट्स मारने वाले बस यही होते हैं कि बहुत सारे अटेम्प्ट करे, उसमें से एक आधा लगा, बहुत सारे शॉट्स मिस भी हुए, और उन्होंने शॉट डाल दिया मोन्टाज में काट के, क्योंकि पूरा शॉट तो दिखाना होता ही नहीं है। और इस तरह की मोन्टाजेस लगातार डालते रहना, और इसके टाइटल थंबनेल में कभी भी आपको इस तरह की चीज़ें नहीं मिलेंगी कि इतना बढ़िया कंटेंट होने के बाद में भी बहुत आसानी से कोई डीमोटिवेट हो जाता है, और डीमोटिवेट हो जाने के बाद में भी इस तरह के टाइटल थंबनेल डालने लगता है, तो आपको वो चीज़ भी कभी नहीं मिलेगी। मतलब इसको 400 व्यूज भी आते हैं तो भी सेटिस्फाइड है, क्योंकि इसका फोकस रहता है अपने बेस्ट देने पे। और लिटरली मैंने जितना इसको फॉलो किया है, मुझे नहीं लगता कि यार अभी और कोई भी स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट बचा है इसकी उसमें, लेकिन स्टिल आप देखेंगे तो इंप्रूव करेगा ही करेगा, मुझे इसमें पूरा भरोसा है। तो इस बंदे को यार पूरा सपोर्ट दिखाओ, स्नेहल ओपी आर्मी का इसको सपोर्ट जाना ही चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि आप भी कवर हो या आपका दोस्त भी कवर हो मेरी वीडियो में, तो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप DM जरूर कर सकते हैं। मैं सबको रिप्लाई तो नहीं कर पाऊंगा, बट हाँ मैं चेकआउट जरूर करूंगा कंटेंट, और पेड प्रमोशन या कोलैबोरेशन के लिए आप मेल भी कर सकते हैं, और क्रिएटिव मैनेजमेंट एजेंसी को जरूर चेकआउट करना, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। बाकी तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।